हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अनुराधा, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है कि मेरा डाइडल्फिस यूट्रस है, तो मेरे डाइडल्फिस यूट्रस में मुझे मतलब किस शेप का है वो आपको मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो बाइकोन यूट्रस और डाइडल्फिस यूट्रस में क्या अंतर है। तो जैसे ही मुझे कंसीव हुआ था, मेरी शादी के 1.5 साल के बाद मेरा जो फर्स्ट बेबी था, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा अबॉर्शन हो गया था वो। तो उसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं था कि मेरा यूट्रस कैसा है, उसकी शेप कैसी है। तो मैं सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर के पास गई, तो उनको भी कंफ्यूज था। उन्होंने मुझे बोला कि आपका बाइकोन यूट्रस है। अभी मैं बता देती हूँ बाइकोन यूट्रस क्या होता है। बाइकोन यूट्रस का मतलब है कि हार्ट शेप में जो यूट्रस रहता है इसे, तो वो नीचे जॉइंट नहीं होता है, इतना ही रहता है वो। किसी किसी का ऐसे भी होता है थोड़ा ऐसा, और किसी किसी का डीप भी हो जाता है स्पेस, लेकिन नीचे से जॉइंट रहता है वो। लेकिन जो डाइडल्फिस यूट्रस है वो दोनों अलग अलग हो जाता है, इसे अलग अलग राइट हॉर्न एंड सेकंड लेफ्ट हॉर्न, तो दो भागों में होता है जो डाइडल्फिस यूट्रस है। और उसका मतलब किसी किसी की बॉडी में ऐसा भी होता है कि जो हमारा यूट्रस का जो नीचे का द्वार होता है, रास्ता, वो अलग अलग होता है। तो वैसा था, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका बाइकोन यूट्रस है। फिर मैं सोच में पड़ गई कि कैसा होगा बाइकोन यूट्रस। तो उन्होंने बोला कि हार्ट शेप का यूट्रस रहता है बाइकोन यूट्रस। तो फिर मैंने थोड़ा कंफ्यूज था, तो मैं फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने अच्छे से सोनोग्राफी किया मेरा। तो उन्होंने बताया कि आपका डाइडल्फिस यूट्रस है। तो डाइडल्फिस यूट्रस, फिर मैंने पूछा कि क्या होता है डाइडल्फिस यूट्रस उनको। तो उन्होंने बोला कि दो अलग अलग यूट्रस रहते हैं, एक राइट यूट्रस और एक लेफ्ट यूट्रस। लेकिन जो बाइकोन यूट्रस है वो हार्ट शेप का यूट्रस रहता है, और उसके विपरीत डाइडल्फिस यूट्रस है। दोनों में बहुत अंतर है, और जो राइट डाइडल्फिस यूट्रस है उसका जो राइट हॉर्न और लेफ्ट हॉर्न जो रहता है वो सेम नहीं होता है। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा यूट्रस है, जो मेरा लेफ्ट हॉर्न है वो कम है उसका साइज़, और जो राइट वाला हॉर्न है उसका अच्छा साइज है, मतलब थोड़ा बड़ा साइज है। लेकिन जो नॉर्मल यूट्रस रहता है उसके कंपैरिजन में वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम आता है प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आता है क्योंकि अबॉर्शन हो जाते हैं, बेबी को बढ़ने के लिए जगह ही नहीं रहती है। तो जो मेरा बाइकोन यूट्रस में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मुझे ऐसा बोला है डॉक्टर ने। और डाइडल्फिस यूट्रस में इतना नहीं होता है प्रॉब्लम, थोड़ा जब बेबी बड़ा होता है तो उसका थोड़ा स्पेस बढ़ता रहता है, तो जो एक साइड का जो यूट्रस है वो थोड़ा सिकुड़ जाता है, मतलब छोटा होने लगता है, और जो दूसरा हॉर्न है वो बड़ा होता चलता है। तो जो बेबी का प्रेशर है और जो यूट्रस का मुख रहता है उसके ऊपर पड़ता है, वो थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उसमें डाइडल्फिस यूट्रस में जो मुख रहता है यूट्रस का, वो ऐसा फिट होता है, वो मुख एकदम ऐसा पक्का हो जाता है, और वो धीरे धीरे खुलने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ही डॉक्टर ने मुझे भी बोला था कि आप प्रॉपर बेड रेस्ट करोगे, मतलब कुछ भी काम नहीं करना। बाइकोन यूट्रस में क्या होता है कि स्पेस नहीं होता है बेबी को बढ़ने के लिए, और जैसे कि स्पेस डीप है तो बेबी को बढ़ने का स्पेस नहीं होता है। जैसे थोड़ा ऊपर है जो बाइकोन यूट्रस है उसमें थोड़ा स्पेस मिल जाता है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, और मतलब डिलीवरी भी हो जाती है। पूरा 9 मंथ डिलीवरी नहीं होती है उसका, 7.5 मंथ में होती है बाइकोन यूट्रस, और 8 मंथ तक जा पाती है, मतलब 36 वीक तक। मतलब जैसे मेरी 36 वीक में हुई है मेरी डिलीवरी, जो है वो हुई है डाइडल्फिस यूट्रस की। मतलब नहीं गई मैं, मतलब पूरा 9 मंथ नहीं कंप्लीट कर पाई, क्योंकि जो यूट्रस का जो मुख रहता है और बेबी का जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, जो राइट हॉर्न में था मेरा बेबी जो है, तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था बेबी, तो उसका प्रेशर जो है वो यूट्रस के मुख में पड़ रहा था, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे खुल रहा था। तो इसलिए मैं मतलब 36 जो वीक है मेरा उसमें ही मेरी डिलीवरी हो गई।
लेकिन बेबी अच्छा था, लेकिन कम वेट का हुआ था क्योंकि पूरे 9 मंथ तक नहीं गया था वो, इसलिए 36 वीक में ही उसकी डिलीवरी हो गई मेरे बेबी की। तो मुझे 9 मंथ की बेबी है और मेरी मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था मुझे डाइडेल्फिस यूट्रस में, और सिर्फ बेड रेस्ट की प्रॉब्लम थी थोड़ा। और हर 1.5 मंथ में मुझे प्रोजेस्टोन का इंजेक्शन लगता था, मतलब 1.5 मंथ से जो स्टार्ट जब मैंने सोनोग्राफी किया था तब से लेके मुझे मतलब हर मंडे को इंजेक्शन लगता था प्रोजेस्टोन का। तो वो इंजेक्शन लेना ही मुझे ज़रूरी था क्योंकि मेरे बेबी को स्पेस नहीं था अंदर डाइडेल्फिस यूट्रस का, क्योंकि वो 2 भागों में रहता है, छोटा छोटा रहता है, तो उसको थोड़ा बढ़ने के लिए प्रोजेस्टोन का ज़रूरत पड़ती है इंजेक्शन की, तो इसलिए मुझे दिया जाता था वो। तो धीरे धीरे वो स्पेस बड़ा बड़ा हो रहा था, और बाइकॉर्न यूट्रस में भी थोड़ा ऐसा ही प्रॉब्लम होता है कि आवोशन होते हैं क्योंकि बेबी को बढ़ने के लिए जगह ही नहीं मिलती है, और इतना नॉलेज भी नहीं होता है, और डॉक्टर के पास जाते हैं हम तो बोलते हैं कि हमारा आवोशन हो गया, तो फिर वो बताते हैं कि आपका बाइकोन यूट्रस है। तो जो मतलब स्पेस का प्रॉब्लम होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जैसे बाइकोन यूट्रस है जो है वो हार्ट शेप की रहती है, तो अलग अलग बॉडी का अलग अलग इफेक्ट रहता है इसमें भी। किसी का डीप हो जाता है जो बीच का स्पेस है ये वाला स्पेस जो है, और किसी का ऊपर ही रहता है। लेकिन इसके कंपेरिजन करें हम डाइडेल्फिस यूट्रस का, तो डाइडेल्फिस यूट्रस अलग ही हो जाती है, पूरा 2 भागों में होती है, 2 छोटे छोटे यूट्रस होते हैं, इसमें कोई हार्ट शेप का नहीं होता है। और किसी किसी का जो डाइडेल्फिस यूट्रस है उसके जो यूट्रस के मुख द्वार है वो भी अलग अलग होते हैं, लेकिन किसी किसी डाइडेल्फिस में एक ही मुख द्वार होता है और लेकिन यूट्रस 2 होते हैं, ऐसा होता है। और बाइकोन यूट्रस में भी ऐसा होता है किसी किसी यूट्रस में कि जैसे हार्ट शेप है और नीचे एक है मुख द्वार जो है यूट्रस का, लेकिन किसी किसी के में 2 भी हो जाते हैं, और बीच में जो है वो जाली जाली हो जाती है, जाली बोलते हैं इसको, जो स्पेस होता है ये तो ऐसा भी होता है दोनों यूट्रस में। अभी हार्ट शेप यूट्रस है बाइकोन यूट्रस, तो उसमें भी स्पेस कम होता है, और डाइडेल्फिस यूट्रस है उसमें भी 2 भागों में होता है और उसमें भी छोटे छोटा रहता है, तो एक लेफ्ट नहीं तो राइट जो हॉर्न रहते हैं उसमें से एक ही यूट्रस बड़ा होता है। और नॉर्मल यूट्रस में तो बहुत स्पेस रहता है वो, क्योंकि पूरा ही यूट्रस रहता है ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसा पूरा। और डाइडेल्फिस यूट्रस 2 हो गया और बाइकोन यूट्रस भी हार्ट शेप हो गई, तो इसमें थोड़ा सा आवोशन का प्रॉब्लम आता है। लेकिन कुछ एक टैबलेट होते हैं जो अच्छे गायनिक होते हैं हमारे, वो हमें प्रोवाइड करते हैं कि ये टैबलेट लो आप, तभी हमारा जो बेबी है उसको स्पेस मिल पाता है, और टैबलेट वगैरह हो गए और इंजेक्शन से तो वो लेना ज़रूरी है और हो जाता है बेबी। और मेरा एक्सपीरियंस तो डाइडेल्फिस यूट्रस है, तो मैंने जो आपके साथ ही शेयर किया, तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो।